और आज मैं सुबह को लंच कराने लाया हूँ भोजोहोरी मानना में, जो कोलकाता का बहुत ही फेमस एक रेस्टोरेंट है। अगर आपको बंगाली फूड ट्राई करना है, बंगाली खाना, तो आप कोलकाता में आके भोजोहोरी मानना बंगाली फूड ट्राई करने के लिए। सप्तमी कुछ दिन यहाँ पे आए, यहाँ पे उन लोगों ने डिवाइड कर दिया हर एक दिन को। आज का जो हम लोग खाना खाने वाले वो है दीति प्रिया थाला, आई थिंक बंगाली का कोई नाम है दीति प्रिया थाला। इसमें बहुत अच्छे अच्छे खाने लोग दे रहे हैं। अभी खाना है तब आप खाने। 2003 में खुली रेस्टोरेंट अपने बंगाली टेस्ट और बंगाली फूड के कारण हमारे बीच इतने कम समय में इतनी फेमस हुई, इसकी कोई सीमा नहीं है। 5 दोस्तों के जुनून से खुला ये रेस्टोरेंट आज पूरे कोलकाता ही नहीं, पूरे इंडिया में बहुत ही जनप्रिय रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसके नाम की बात करूँ तो भोजोहोरी मानना, आपने माना देखा नाम तो सुना ही होगा, उन्हीं का एक संगीत से इंस्पायर होके आमी श्री श्री भोजोहोरी मानना समथिंग ऐसे कोई गाने से इंस्पायर होकर इन्होंने रखा अपने रेस्टोरेंट का नाम भोजोहोरी मानना। इनकी ब्रांच आज सिर्फ कोलकाता में नहीं बल्कि भारत के कई प्रांत में फैले हुए हैं। अगर आपको चाहिए, अगर आपको टेस्ट करना है अपने सिटी में बंगाली ट्रेडिशनल फूड को, तो मैं उसका पूरा लिंक, इनकी वेबसाइट का पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूँगा, वहाँ जाके आप चेकअप कर सकते हो भोजोहोरी मानना को, अगर आपको ट्राई करना है बंगाली ट्रेडिशनल फूड को। बातों बातों में तो हम भूल ही गए कब सुबह का खाना भी स्टार्ट हो गया, और शुभम का आज का दीति प्रिया थाला शुभम को मिल गया। शुभम को करीब 4 दिन हो गए हैं, लेकिन शुभम ने कहीं पर भी पूरा खाना कंप्लीट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे पहली बार शुभम ने पूरा प्लेट साफ किया। इससे पता चलता है, इससे शुभम के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि खाना कितना टेस्टी लगा शुभम को। ये वीडियो पूरा शुभम के नाम था ऑन कॉल शुभम। फर्स्ट टाइम मैं कोलकाता आया और गौतम मुझे यहाँ पे लेके आया। खाना बहुत ही अच्छा था, स्पेशली यहाँ का जो फ्लेवर था वो बहुत ही अच्छा। अगर आप फिश देखोगे और वो पहले उन्होंने राइस लाया, फिर उसके बाद फिश, धीरे धीरे स्वीट, उसका जो प्रोसेस था वो बहुत ही अच्छा था। क्या का जो प्रोसेस था, मतलब पहले राइस, फिर उसके बाद फिश, फिर उसके बाद स्वीट, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और जो स्वीट में से क्या था, वो दही, जो दही, जो स्वीट का दही था, वो बहुत ही अच्छा था। तो थैंक यू गौतम मुझे यहाँ पे लेने के लिए। सबको मैं ऑर्डर रिकमेंड करता हूँ। कितना स्टार, अगर मैं स्टार का बात करूँ रेस्टोरेंट को, 10 में से 8। क्यों नहीं सुने जरा? नहीं ऐसे ही, क्या अच्छा है, वेटिंग बहुत करना पड़ता है। हाँ ये भी बता दी, और ये वेट करना पड़ा 3 घंटा हम लोग वेट करने के बाद हम लोग ये खाना खाया है, तो इसलिए ये इशू है। बहुत खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ ये ऑर्डर।